We talk about structures. We say an architecture is a set of a software architecture is a set of structures which are elements, their relationships, and their properties. So, what structures are we about when we talk about uh, software architecture? There are fundamentally three different categories of structures that comprises of. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आई मीन दे कैन बी मैनी मोर लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग तीन कैटेगरीज में हम इन स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर सकते हैं ये तीन कैटेगरीज क्या हैं सबसे पहले वी हैव वट आर कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रक्चर्स ये स्टेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स और मॉजूल्स बहुत बार इनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं मॉड्यूल किस चीज़ का नाम है वी शेल लुक एट एट इन मोर डिटेल लेटर लेकिन यानी कि इसकी ग्रेनुलरिटी क्या है किस चीज़ को हम मॉड्यूल कहते हैं किस चीज़ को हम मॉड्यूल नहीं कहते और उसकी बाउंड्रीज़ और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हमारी आ, जिसको हम बात करते हैं ये है इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स के किस को हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फ्रॉम अ डवेलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको किस तरीके से पार्टीशन और स्ट्रक्चर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और उनको उन मॉड्यूल्स में किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं सो दीज आर स्टेटिक स्ट्रक्चर्स स्टैटिक कमीन का मतलब ये है कि ये अगर आप इसको आ, आ, जरा देखें तो ये नहीं बेसिकली ये ये, ये डायनामिक नेचर के नहीं होते ये आ, जिस तरह क्लास डायग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल दीज आर स्टैटिक स्ट्रक्चर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड टाइप और कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रक्चर्स वट आर दीज डायनेमिक स्ट्रक्चर्स डायनामिक स्ट्रक्चर्स आर कॉम्पोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर्स सी एंड सी भी हम इसको कहते हैं कि ये हमारे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है और ये काम्पोनेंट्स जो हैं ये हाउ आर दे कनेक्टेड अब ये कॉम्पोनेंट की जो जो लफ्स है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर हम कॉम्पोनेंट का मतलब ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी वो रन टाइम एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं वो एग्जीक्यूटेबल्स आपके कौन कौन से हैं और डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल्स जो आपके हैं हाउ आर दे कनेक्टेड विद ईच अदर सो दीज आर द डायनामिक्स स्ट्रक्चर बिकॉज इनका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जब ये चीज़ ये सॉफ्टवेयर चलेगा तो उसकी डायनामिक्स क्या होंगी कौन कौन सी एग्जीक्यूटबल्स होंगी किस किस तरीके से आपस में वो इंटरेक्ट कर रही हैं और किस किस तरीके से वो कनेक्ट हुए हुए एंड वी शिल टॉक अबाउट दीज मोर डिटेल डेटा एंड दर्ड कैटेगरी दैट वी हैव इज वट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स

हमारी क्लाइंट मशीनें होंगी हमारा डेटा बेस सर्वर होगा वो इस जगह पर पड़ा होगा वो ऐसे डिप्लॉय होगा वो इस तरीके से डिप्लॉय होगा ये चीज़ क्लाउड पे होगी ये चीज़ ऐसे होगी कैसे इस सारी चीज़ को अपने डिप्लॉय करना है कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे किस सर्वर पे उसकी एलोकेशन किस तरीके से है तो ये जो तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसमें इन तीनों में दैट इज़ स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, आपकी डायनेमिक स्ट्रक्चर एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर तीनों में मुख्तलिफ हम तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं और ये तीनों मिल के दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड अनालिस ऑफ द आर्किटेक्चर तो ये तीनों मिल के बाद ये हमारे पास एक कम्प्लीट पिक्चर आपको देते हैं तो कोई एक चीज़ हम बाज़क नहीं कहते कि दिस इज़ वट दर्किटेक्चर इज